हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। मायसेल्फ हित अभिलाषी शर्मा तुहाडे नाल एक वारी फिर इकोनॉमिक्स नाल रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अज शेयर करांगे। अज दिस वीडियो दे विच कंटेंट है रिगार्डिंग टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स की है? कर किस नु कहंदे ने ते कर दी फीचर्स की ने, टाइप्स किनिया ने, एदे बारे गल करांगे। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस टुडेज टॉपिक। यस स्टूडेंट्स, जिमें दुनिया के सारे देशों के गवर्नमेंट का जो बजट होंगे उसके रेवन्यू तो एक्सपेंडिचर आमदन के खर्च का एक आने वाले समय के लिए हिसाब किताब तैयार किया जाता है। रेवन्यू आएगा कितों? गवर्नमेंट के रेवन्यू का बाकी देशों की तरह साढ़े देश के भी जो सब तो बड़ा सोर्स बनता है वह होंगे ने टैक्स। साडा अज दा टॉपिक टैक्स के रिगार्डिंग ही है। जी मैं तुहानू मैं दस्या टैक्स की है, आपां इहदे बारे गल करदे आं। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वी कैन से द बिजनेस हाउसेज टू द गवर्नमेंट विदाउट डिराइविंग एनी डायरेक्ट बेनीफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज गुड्स और सर्विसेज। मतलब समझते हैं, टैक्स किसी व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा, व्यापारिक संस्था द्वारा सरकार नूं कीता गया वह कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट, नॉट ओनली पेमेंट, कंपलसरी पेमेंट है, जरूरी भुगतान है जिसनों करन दे बदले दे विच उसनों डायरैक्ट रूप दे विच सरकार तो कोई वस्तु जा सेवा प्राप्त नहीं होंदी। कहन दा मतलब की है, किसी व्यक्ति ने 5000 रुपए गवर्नमेंट नूं टैक्स दिता, इहदा मतलब यह नहीं कि गवर्नमेंट उहनूं 5000 दीआं वस्तुआं जां सेवावां कुछ देगी। नो, इट्स अ कंपलसरी पेमेंट। इस तो इलावा गल करते हैं आप इनू समझने के लिए होर इन फीचर्स की। फीचर्स ऑफ टैक्स की होंदिया ने, दैट इज़ अ कंपलसरी पेमेंट। जिमें मैं डिफाइन करते हुए दसिया, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करनी ही पैनी है, जिसके उपर भी लगाया गया, नो बॉडी कैन रिफ्यूज, उन्हें मना नहीं कर सकता। दैट इज़ अ फर्स्ट फीचर ऑफ टैक्स। नैक्सट वन वी कैन से नो स्पैशल डायरैक्ट बेनीफिट टू द टैक्स पेयर। ये भी एक विशेषता है कि जिहड़ा व्यक्ति टैक्स पे करता है उन्हें गवर्नमेंट तो डायरैक्ट सेम अमाउंट का या उस तो घट वध अमाउंट का जिहड़ा डायरैक्ट बेनीफिट है वह नहीं मिलता। जिमें आम असी बिजनेस दे विच लेन देन करते हैं कि जो तुसीं किसी नूं 50 रुपीज़ पे किए ने, 50 रुपए दीआं गुड्स पे रिसीव कर लिया, बट इट टैक्स इज सच अ पेमेंट, इहो जिहा भुगतान है जिहदे बदले च उहनूं डायरैक्ट बेनीफिट नहीं मिलने वाला। नैक्सट है मोटिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट जिहड़ा टैक्स लोगों तो कलैक्ट करती है उहदा मेन मकसद की हुंदा है? एज अ वेलफेयर स्टेट, लोगों के कल्याणकारी राज के रूप के उस पैसे लोगों के कल्याण के लिए यूज करना। नैक्सट लीगल प्रोसीजर वी कैन से, जिहड़ा टैक्स है लीगल बाउंड है, लोग लीगली बाउंड ने क्योंकि कानून के अनुसार टैक्स पे करना जरूरी है, कंपलसरी है। इफ एनी बॉडी रिफ्यूज, जे कोई टैक्स पे ना करे, दैन गैट रेडी टू पे द फाइन और पेनल्टी और रेडी टू गैट पनिशमेंट एनी मे बी पॉसीबल। जो भी सज़ा हो सकती उन्हें भुगतन लिए तैयार रहे, चाहे वह सज़ा जेल के रूप के हो सकती है या पेनल्टी जुर्माने के रूप से हो सकती है। यह सी विशेषतावान ध्यान रखो इस गल का। इस तो इलावा ये एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट जी विशेषता है, रिस्पोंसीबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर टू पे द टैक्स, नॉट द इट्स नॉट द रिस्पोंसीबिलिटी ऑफ द एजेंसी हु इज कलैक्टिंग द टैक्स। उस संस्था का काम नहीं है, गवर्नमेंट की उस एजेंसी का काम नहीं है जिन्हें टैक्स कलैक्ट करना है कि वह टैक्स लवे हर हालत। टैक्स पे करना टैक्स पेयर की अपनी जिम्मेवारी है कानूनन रूप के। दीज आर द फीचर्स ऑफ टैक्स। यस स्टूडेंट्स, क्लासीफिकेशन ऑफ टैक्स, टैक्स का वर्गीकरण की है? टैक्स के जेकर वर्गीकरण को देखिए तो इन वर्गीकरण असं अड अड बेस से करते हैं। एक टैक्स के बर्डन किस व्यक्ति पर किन्ना पैंदा है इहदे हिसाब नाल जो क्लासीफिकेशन की जाती है। उस क्लासीफिकेशन के अकॉर्डिंगली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सिस, वो किहड़ियां किहड़ियां ने, जिस दे विचों पहली है प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरी रिग्रेसिव टैक्स, ते तीसरी है प्रोपोर्शनेट टैक्स। आपां इन्हां दे कल्ले कल्ले दे बारे गल करदे हां। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स दा मतलब प्रगतिशील कर। जिहड़े प्रोग्रेसिव टैक्स ने उह इस तरह दे टैक्स ने कि जिस तरह किसी व्यक्ति की इनकम इनक्रीज़ हुंदी है, वधदी है, उहदे नाल ही उस ते लगन वाले टैक्स की दर, कर की दर भी वध जांदी है। फॉर एग्जाम्पल, इहनूं समझण दे लई आपां एग्जाम्पल प्रगतिशील करन, जेकर किसी व्यक्ति की इनकम मान लो 1 लाख रुपए है साल की,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 10% ਟੈਕਸ ਲਵੇ, ਜੇ ਜਿਸ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 15% ਟੈਕਸ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 20% ਟੈਕਸ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਤੇ ਵਰਡਨ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਤੇ ਵਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਡਨ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ। ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ, ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਕਮ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ 10%। ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ 15%। ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ 10,000 ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ 20%। 10, 15, 20 ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਟੈਕਸ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਮਤਲਬ ਅਨੁਪਾਤਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਟੈਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ 1 ਲੱਖ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਅਡਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ 5% ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਜ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਦਾ ਟੈਕਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਸੇਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਵਰਡਨ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਰਡਨ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਅਲ ਬਰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਅਮੀਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ। ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੱਕੜ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਂਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਬਰਡਨ ਵੀ, ਰੀਅਲ ਬਰਡਨ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਟੈਕਸਿਸ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਸ਼ਿਫਟਡ, ਇਹਦਾ ਬਰਡਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਦੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਰਡਨ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹ ਕਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਬਰਡਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
इस टाइप के टैक्स असी अप्रतख कर कहने जिस दे बर्डन नू शिफ्ट किया जा सकता हो पे करन वाला कोई होर है तो वजन सहन वाला उदा भार सहन वाला टैक्स का वह दूसरा व्यक्ति है जस्ट वी कैन से द टैक्स इज पेड बाय द बिजनेसमैन व्यापारी पे टैक्स पे करते हैं बट वो अपनी जेब चो नहीं करते और टैक्स कस्टमर्स तो ले लेते हैं अपने गाहकों तो ले लेते हैं इस टाइप के टैक्स असं इनडायरैक्ट टैक्स कहने दोनों के बेसिक डिफरेंस भी होगा कि डायरैक्ट टैक्स जिस व्यक्ति लगाया जाता है उन्होंने ही पे करना पैंता है तो उही उहदा बर्डन सहन करता है इनडायरैक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उन्होंने दूसरे पर शिफ्ट कर देता है पे जरूर करता है पर उहदा बर्डन सहन आप नहीं करता जिहड़ा डायरैक्ट टैक्स है उहदा बर्डन दूसरे पर शिफ्ट नहीं हो सकता इनडायरैक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हुंदा है क्लीयर हो गया इस तो इलावा डायरैक्ट टैक्स किसी व्यक्ति की इनकम के उत्ते कारपोरेट हाउस की इनकम प्रोडक्शन प्रोसैस से होने वाली इनकम के उत्ते लगाया जाता है जो कि दूसरे पास इनडायरैक्ट टैक्स जिहड़ियां गुड्स तैयार करके सेल करते हैं उन्होंने लगाया जाता है जिहड़ी परचेज सेल होंदी है उसके उपर जो टैक्स लगते हैं वह सारे इनडायरैक्ट टैक्स ने इस तो इलावा जिहड़ा डायरैक्ट टैक्स है इहदा जिहड़ा रियल बर्डन ते मोनेटरी बर्डन वास्तविक भार ते मौद्रिक भार इको ही व्यक्ति ते पैंदा है जदों कि दूसरे पास इनडायरैक्ट टैक्स का मोनेटरी बर्डन एक पास देखने से लगता है कि एक व्यक्ति पर पिया पर असली बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति को सहन करना पैंदा है दीज आर द डिफरेंसिज बिटवीन डायरैक्ट टैक्स एंड इनडायरैक्ट टैक्स सो डियर स्टूडेंट्स हुण असीं गल करते हैं अज के टॉपिक का एक लास्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा वह है कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सिज टैक्स दे विच केड़े केड़े कंपोनेंट्स ने केड़ी केड़ी चीज़ां टैक्स का हिस्सा ने और वी कैन से द टाइप्स ऑफ टैक्सिज जो असीं टाइप्स ऑफ टैक्सिज की गल करते हैं इनू असीं जनरलाइज नहीं कर सकते सारी दुनिया दे विच असीं अज जदों गल कर रहे हैं साडे अपने देश की गल कर रहे हैं साडे देश दे विच जिहड़ी मेन चले हुए टैक्स ने वो केड़े केड़े ने वो कंपोनेंट दे दा हिस्सा केड़े वो केड़े केड़े घटक ने जिहड़े टैक्स दे स्ट्रक्चर दा हिस्सा ने उहदे विचों सब तो पहला है इनकम टैक्स इनकम टैक्स जिसनों आमदन कर कहते हैं साफ पता लग रहा है आमदन कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो इस करके लगाया जाता है कि उन्होंने एक खास वित्तीय साल के दौरान इनकम हुई उस आमदन के उत्ते जो टैक्स लगाया जाता है उन्होंने असी इनकम टैक्स कहने हैं यह गवर्नमेंट की इनकम का काफ़ी वड्डा साधन है इस तो इलावा कारपोरेट टैक्स और वी कैन से कारपोरेशन टैक्स जो डिफरेंट टाइप के बिजनेस कारपोरेट्स ने कारपोरेशन ने इन्हों जो प्रॉफिट होंगे ने इन्हों के उपर जो टैक्स लगाया जाता है उन्होंने कारपोरेशन टैक्स कहने हैं ध्यान रखियो इस गल नूं इस तो इलावा गवर्नमेंट का जिहड़े असीं टैक्सिस की गल करते हैं वो कंपोनेंट्स में एक हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट आता है एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी उन्हां वस्तुओं ते सेवावां दे उत्ते लगाया गया टैक्स है जिहड़ियां वस्तुओं ते सेवावां साढ़े अपने देश दे विच पैदा कीतियां जांदियां ने उन्हां ते जिहड़ा प्रोडक्शन टैक्स के रूप में भी टैक्स लगाया जाता है उन्हों असीं एक्साइज ड्यूटी कहते हैं दूसरा है कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी वह टैक्स है जो देश की गवर्नमेंट के द्वारा उन्होंने वस्तुओं के उत्ते लगाया जाता है जो विकतं साढ़े देश रही ने पर जिन्हों का उत्पादन बाहर के देशों तो होया तो असी उतों उन्होंने इंपोर्ट किया आयात करके साढ़े देश लेके आए तो उससे जो टैक्स लगाया जाता है उन्होंने कस्टम ड्यूटी कहते हैं सेल टैक्स जी वस्तुओं से सेवावान की सेल की जाती है वो उपर सैलिंग प्राइस के उत्ते जो टैक्स लगाया जाता है उन्होंने असी सेल टैक्स कहने इस तो इलावा डियर स्टूडेंट बहुत सारे टैक्स ने गिफ्ट टैक्स है जो कोई व्यक्ति किसी नूं गिफ्ट दे कुछ खास शर्तों के अपने ब्लड रिलेशन नूं छड़ के एक खास अमाउंट तक गिफ्ट नूं छड़ के जिस व्यक्ति नूं गिफ्ट प्राप्त होंदा उहदे ते गिफ्ट टैक्स लगता है वैल्थ टैक्स जे किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी सरकार की हदायतों के अनुसार समय समय से जिवें जारी की जाती है जेकर उहदी वैल्थ उहदी संपत्ति उस तो ज़्यादा है 1 करोड़ या 10 करोड़ टाइम टू टाइम अलग अलग गाइडलाइनस ने तो उसकी संपत्ति पर जो टैक्स लगाया जाता है उन्होंने असी वैल्थ टैक्स का नाम दें स्टैंप ड्यूटी इस तो इलावा एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत सारे टैक्सिज ने जो टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के सर्विस टैक्स जोड़े चार्ज किए जाते हैं अलग अलग जगह पर बेसिक टैक्स ये ने पर थोड़ी सारे की जानकारी लिए दसा साढ़े देश के 2017 के एक वड्डा परिवर्तन होया जो असी कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स की गल करते हैं इन्हों सारे दे उपर गवर्नमेंट की कोशिश है कि आने वाले समय के इन्हों जो बहुत सारे टैक्स जोड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे इको ही टैक्स लगाया गया मैक्सीम वन नेशन वन टैक्स की थ्री के GST गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स जो भी वस्तुओं की सेल परचेज हो रही है वो GST लगता है दैट इज़ आलसो द मेजर कंपोनेंट ऑफ टैक्स ए सी टैक्स के बारे इंफोरमेशन
कुछ थोड़े नाल रोचक जानकारी होर सांझी करदे आ कंसैप्ट नूं बहुत इंट्रस्टिंग बनाने के लिए। जी स्टूडेंट्स, जिवें मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच कहा कि गवर्नमेंट की जिहड़ी इनकम है उहदा बहुत वड्डा साधन टैक्सेस ने, टैक्स जो कर प्राप्त होंदे ने डायरैक्ट या इनडायरैक्ट टैक्स के रूप दे विच। तुहाडी जानकारी लई दसां कि जो 19-20 दा बजट है, हर साल जिहड़ा बजट पेश करदी है गवर्नमेंट, 19-20 दे बजट दे विच गवर्नमेंट दी जिहड़ी आमदन दा जो साधन सी, जो रेवन्यू उहनूं प्राप्त होना सी, ਉਹ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉਸ ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।